सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। कुछ देर बातचीत करने का मैं इतना बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूंगा। लंबी चौड़ी अगर सुननी है तो गोल्ड बन के आना एलडीपी में, मैं वहां बात करूंगा, ठीक है। और लंबी चौड़ी सुननी है तो फिर दिशा ट्रेनिंग में आना, चार दिन वहां बात करूंगा। 250-300 रुपया दिए उसने, मैं तो थोड़ी सी होंगी है। हेलो, तो नए वाले लोगों का फंक्शन है, ज्यादा कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, लेकिन एबीसीडी सिखा सकते हैं। क्या सिखा सकते हैं? कितने लोग जानना चाह रहे हैं? बोले जे तो हमने सीख रखी है पहले से ही है, इस बिजनेस की एबीसीडी सिखा देता हूं। जानना चाह रहे हैं सभी लोग? अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है और सफल होना, तो दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक मेरे अपलाइन ने बताए थे चार वर्ड एबीसीडी, उससे मुझे याद रहे और आपको भी याद रखने। आप जानना चाहते हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि ए का मतलब होता है एटीट्यूड। अगर इस बिजनेस के अंदर, इस संसार के अंदर अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नजरिए के ऊपर काम करो, अपने थॉट्स को देखो, अपने विचारों को देखो। आज संसार में जो कोई भी आदमी अमीर है वो सिर्फ अपने विचारों की वजह से, और अगर कोई गरीब है तो वो अपने विचारों की वजह से। गरीब आदमी हमेशा गरीबी के बारे में सोचता रहता है और अमीर हमेशा अमीरी के बारे में सोचता रहता है। और जब तक आपके सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, किन्हीं भी चीजों को देखने का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। हर व्यक्ति का दो तरह का एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। सेम सिचुएशन होती है, सेम सिचुएशन में एक आदमी पॉजिटिव रिएक्ट करता है और एक आदमी नेगेटिव रिएक्ट करता है। एक व्यक्ति सोचता है घटना तो हो गई, अब इसके बाद क्या, दूसरा सोचता है हुई क्यों, अब क्यों का जवाब भगवान से पूछना, हमें क्या पता। आप समझिए बात को, बात सिर्फ नजरिए की है। अभी अगर आप समझ सकते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं, अगर नजरिया हो तो कैसा हो। नजरिया अगर हो तो महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जैसा होना चाहिए। जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई थी और एक प्रयोगशाला थी, और उसके अंदर वो ढेर सारे प्रयोग किया करते थे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर रखे हुए थे, और किसी नौकर की गलती की वजह से उस फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, पूरी फैक्ट्री धूं-धूं करके जल रही थी, और एक उनका नौकर उनकी बराबर में खड़ा था और वो भी उसको देख रहे थे और देख देख करके मुस्कुरा रहे थे। थॉमस अल्वा एडिसन की मुस्कुराहट को देख करके उस नौकर से रहा नहीं गया और उसको पूछा, साहब हमारी फैक्ट्री जल रही है। बोले हाँ मैं देख रहा हूं। बोले देख रहे हो तो आप हंस रहे हो, लगता है मालिक की सटक गई। तो एडिसन साहब ने क्या जवाब दिया जानना चाहते हैं? उन्होंने बोला ये तो जल तो रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त एक बात और देख ले, इस फैक्ट्री को बनाने में बहुत सारी कमियां रह गई थी, वो कमियां भी हमारी इसके अंदर जल रही हैं। अब हम एक नई फैक्ट्री लगाएंगे, उसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये एटीट्यूड की बात होती है दोस्तों। एक महान आदमी इस तरीके से सोच सकता है, नॉर्मल आदमी इसी चीज का सीन देख करके जिंदगी में हार्ट अटैक होकर के मर जाएगा। बोलो यस या नो। कई लोगों के साथ में अगर दो लोग आ जाएं तो वो खुशी के मारे फट जाते हैं, और दो लोगों ने ना बोल दिया तो वो गम के मारे एकदम से रोना धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो व्यक्ति बोलेगा, अगर दो लोगों ने मना किया कोई बात नहीं, ये चैलेंज कर रहा है कि मैं नहीं ज्वाइन कर रहा, तो मैं भी अपने असली बाप की औलाद नहीं कि तेरे बिना डायमंड बन के नहीं दिखाया। ये एटीट्यूड की बात होती है, ये एटीट्यूड की बात होती है। ये चैलेंज कंपनी को नहीं कर रहा, अगर इसको कंपनी को चैलेंज करना होता तो ये जाता है 3x24 जनकपुरी नई दिल्ली। यस या नो। ये सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा, अगर इसको सिस्टम को चैलेंज करना होता तो जाता मेरे अपलाइन के पास। ये चैलेंज कर रहा है तो मुझे कर रहा है। हेलो। और साला मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं इसमें डायमंड बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं। ये एटीट्यूड की बात है। यस या नो। क्या हम अपने नजरिए को पॉजिटिव रख सकते हैं? हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में हमेशा। एक व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा तो उसको मरने के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव सोचोगे तो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है, और आपको उस अच्छाई को देखना है। क्या हम उस अच्छाई को ढूंढ सकते हैं?